स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। कल से जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक व्यक्ति जो अपने हाथ में तलवार लिए बाजार में खुलेआम हजारों लोगों के सामने तलवार घुमाते हुए रास्ते पर चीखते चिल्लाते जा रहा है, उस व्यक्ति का वीडियो जो तेजी से वायरल हो गया है। वो व्यक्ति को अभी अभी जानकारी के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर ADGP आलोक कुमार ने इसकी जानकारी दी है कि उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की गई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसकी सूचना हमने भी 2 घंटे पहले आपको दी थी हमारे न्यूज़ के जरिए। तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मैं तमाम बीजापुर के नौजवानों से यही कहूंगा कि इस तरह की कोई भी हरकत ना करें, ना ही अपने हाथों में हथियार ले, ना ही हथियारों का दिखावा करें। आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है, आपके लिए और आपके अपनों के लिए इसका खास ख्याल रखिए। और याद रखिए, धर्म की सियासत हो या भड़काऊ नेता, ना ही आपके काम आते हैं, ना ही आपके अपनों के। ये ज़िंदगी सिर्फ आपकी है और इस ज़िंदगी का खास ख्याल रखिए, क्योंकि नेता सिर्फ आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं और कुछ नहीं। इस बात का ख्याल रखिए और कानून का सम्मान करें, अपने माँ बाप का सम्मान करें, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को रौड़ी बनाना नहीं चाहती और ना ही उसकी गिरफ्तारी चाहती है और ना ही वो आरोपी बनता अपने बच्चों को देखना चाहती है। तो खास करके इस बीजापुर शहर को नहीं बल्कि कर्नाटक को, पूरे देश को शांत और अमन बनाए रखिए और कानून का सम्मान कीजिए। और बने रहिए हमारे साथ बी न्यूज़ नेशन के साथ।